हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी अफ़गानी अंडा करी की रेसिपी शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एग को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए हमने 4 अंडे लिए हैं एक बाउल में, और 1 ग्लास पानी इसमें डाल देंगे और 10 मिनट्स के लिए इसे हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे। और इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर अंडे देखिए बॉयल हो गए। बॉयल होने के बाद हमने इसको छील लिया था, और फिर इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। फ्राई करने से पहले हमें इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। आप बड़े कट्स भी लगा सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए फिर हम उसमें अंडे को फ्राई कर लेंगे। और अंडे को हमेशा फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर फ्राई करिए, जिससे ये फटाफट हो जाते हैं और इसका कलर भी अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए हमारे अंडे एकदम गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं एक साइड से। इसी तरह से हम इसको टर्न कर करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और जब ये हो जाए परफेक्टली, फिर हम इसमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे अंडे में अच्छा कलर आ सके। तो इस प्रोसेस को फ्रेंड गैस ऑफ करके ही करना है। और जब अंडे परफेक्टली फ्राई हो जाएं, यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आ गया है। अंडे फ्राई हो जाने के बाद फ्रेंड्स, हम फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। और जब तक तेल गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसको फाइन चॉप कर लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इस प्याज को तेल में डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्याज को गोल्डन फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। इसे हल्का सा सॉटे कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसी मोमेंट पर हम इसमें दालचीनी की लकड़ी और तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह हल्के हल्के चला लेंगे, जिससे ये अच्छे से सॉटे हो जाए। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा, ज़ीरा, खड़ी धनिया, काली मिर्च और सौंफ लिया है, और 2 रफली चॉप टमाटर लिया है। आप टमाटर की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये करना है फ्रेंड्स कि जितने हमने खड़े मसाले लिए हैं सबको इसी में ऐड कर देना है, और सभी मसालों को हल्का सा सॉटे करना है, ओवर कुक नहीं करना है। आपने अंडे की रेसिपी तो बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी फ्रेंड्स, मगर एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर हमने लहसुन, हरा मिर्चा, अदरक सभी कुछ ऐड कर दिया है, और हमने जो खड़े मसाले लिए थे वो सब भी ऐड कर देंगे। इससे इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स, खड़ी धनिया और सौंफ का। इसके बाद हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। इन सभी मसालों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे कर लेना है। यहाँ पर हमारे सभी मसाले कुक हो रहे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा लहसुन भी सॉफ्ट हो जाए, अदरक सॉफ्ट हो जाए, और इसको हम इसी तरह से चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें रफली चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 टमाटर का यूज़ किया है, और ये फ्रेश हरा धनिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने 1 बंच हरा धनिया लिया है। इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी में हरा धनिया ले सकते हैं, क्योंकि इसी से हमारी ग्रेवी का कलर बिल्कुल ग्रीन आएगा, और हमें ग्रेवी का कलर बिल्कुल ग्रीन चाहिए, और वो धनिया से ही ग्रीन कलर आएगा। तो आप धनिया की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और हमें इसको तब तक सॉटे कर लेना है जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसको तब तक हमें कुक कर लेना है। हाँ फ्रेंड्स, ओवर कुक नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर मैंने काजू भी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, इससे फ्लेवर बहुत रिच हो जाएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स प्रॉपरली सॉटे हो गए हैं, तो हम इसको ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें इसको बिल्कुल ठंडा करके ही पीसना है, गर्म बिल्कुल नहीं पीसना है। जब ये प्रॉपरली ठंडा हो जाए तो हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और 1 टेबल स्पून कड़वा तेल ऐड करेंगे। और जब वो खूब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम उसमें दालचीनी की लकड़ी और तेज़पत्ता और तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस फ्लेम ऑफ करने से फ्रेंड्स हमारा तेज़पत्ता और मसाला जलेगा नहीं। इसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको मसाले को भून लेना है। अब यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। अब इन सभी मिक्सचर को हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे,
और इसे हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर भून लेना है। जब तक हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन नहीं जाती है, हमें इसको इसी तरह से चलाते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स जब ग्रेवी में काजू होता है तो वो हमारी कढ़ाई में चिपकने लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है, जिससे हमारी ग्रेवी प्रॉपरली भुन जाए। और जब ऑयल सेपरेट हो जाए, इसका मतलब हमारी ग्रेवी प्रॉपरली भुन चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल सेपरेट हो गया है ऑयल। इस मोमेंट पर हम इसमें अंडे को ऐड कर देंगे। अंडे डाल देने के बाद भी फ्रेंड्स हम इसे स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे अंडे और मसाले मिक्सअप हो जाएं और अंडे में भी मसाले का फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1/2 कप वाटर ऐड किया है। अगर आपको भी रिक्वायरमेंट लगे तो आप वाटर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/2 कप वाटर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और हमारी टेस्टी सी अंडा करी बनकर रेडी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसको रोटी पराठे राइस के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।